प्यारे बच्चों, अध्याय 3 है, कक्षा 6 है, विज्ञान की कार्य पुस्तिका है। तो इसको हम आज इसके सोल्यूशन करेंगे विज्ञान की कार्य पुस्तिका में। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तंतु से वस्त्र तक अध्याय है 3। ठीक है, तो ये अध्याय हमारे पास जब पुराना सिलेबस होता था विज्ञान का तो उस समय होते थे, लेकिन कार्य पुस्तिका में ये हमें करने को मिले हुए हैं। तो गतिविधि 1 है बच्चों, इसमें आपको दिखाए गए हैं चित्र। तो इसमें इन्होंने कैसे वस्त्र डाले हुए हैं, जैसे सर्दियों में ऊनी कपड़े डालते हैं, जब गर्मी होती है बहुत ज़्यादा तो सूती कपड़े पहनते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, और जो वर्षा होती है तो हम बरसाती डालते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आपने लिखना है भी ये कैसे कपड़े डालते हैं। तो क्या यह सभी कपड़े एक ही प्रकार के रेशे से बने हैं? नहीं बच्चों, ये अलग अलग प्रकार के रेशों से बने हुए कपड़े हैं। फिर उसके बाद है बच्चों गतिविधि 2, ये पौधा है, जैसे कपास का पौधा है, इससे हमें रुई मिलती है बच्चों। ठीक है, फिर आपके पास भेड़ का चित्र है, भेड़ से हमें ऊन मिलती है। फिर आगे पटसन, पटसन होता है, उससे हमें पटसन मिलता है, जिसे हम बोरियां बनाते हैं, टाट बनाते हैं, फिर रस्से भी बनाते हैं इससे। फिर रेशम के कीट से हमें रेशम मिलता है बच्चों, ये आपने पूरा कर लेना है। फिर खै भाग है, तुम दैनिक जीवन में उन रेशों से बनने वाली विभिन्न चीज़ों का उपयोग करते हो, यानी किन किन चीज़ों का उपयोग करते हो, जैसे रुई से वस्त्र बनाई जाती है, रजाई बनाई जाती है, ऊन से स्वेटर बनाया जाता है, पटसन से टाट बनाया जाता है, बोरियां बनाई जाती हैं, रेशम रेशम से वस्त्र बनाए जाते हैं बच्चों। फिर है आगे, किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकालो, क्या तुम इस धागे के और भी बारीक धागे अलग कर सकते हो? बारीक लड़ियों को क्या कहते हैं? हाँ, अलग कर सकते हैं, इन बारीक लड़ियों को हम तंतु कहते हैं। फिर आगे आपके पास जो चित्र है, इसमें देखिए, चित्र में रुई के रेशों से धागा बनाना दर्शाया गया है, चित्र देखकर इस विधि का वर्णन करें। तो इसमें चित्र में क्या है, ये चरखा होता है बच्चों, जिसमें चित्र में दिखाया गया है। तो रेशों से धागा बनाने की क्रिया को कातना कहते हैं। इस चित्र में चरखे की सहायता से कताई की जा रही है। ठीक है, तो ये आपने लिखना है बच्चों। फिर चौथी गतिविधि है, ऊन किन किन जंतुओं के बालों से प्राप्त होती है, उन जंतुओं के चित्र आपने लगाने हैं। तो ऊन हमें भेड़ से मिलती है, बकरी से मिलती है, अंगोरा बकरी होती है एक, उससे मिलती है बच्चों, याक से मिलती है। तो आपने इस बॉक्स में उनके नाम चित्र लिखने हैं बच्चों, किस किस के चित्र, भेड़ का चित्र ठीक है इस बॉक्स में लगाना है, अंगोरा बकरी का चित्र लगाना है, याक का चित्र आपने इसमें लगाना है। फिर है, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए ऊन से स्वेटर कैसे बनाती है? तो अब तो बाजार से बने बनाए मिल जाते हैं स्वेटर वैसे, लेकिन पहले जो माताएं थी तो वो सिलाई की सहायता से ऊन के स्वेटर हाथों से बनाती थी, जिसे बुनाई या बंधाई कहते हैं बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद है गतिविधि 5, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, जैसे सूतली है, रेशमी साड़ी है, बोरी है, रुई है, खादी। तो आपने इनको काम आने वाले इनके रेशों के आधार पे इनको अलग निम्न अलग अलग करें। जैसे जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो हैं रेशे, रेशमी साड़ी है, स्वेटर है, कंबल है। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे हैं सूतली है, बोरी है, रुई है, खादी, मलमल, चादर, ये सभी हमें पौधों से मिलते हैं रेशे। फिर है मनुष्यों द्वारा जो निर्मित हैं, फैक्ट्रियों में जो बनाई गई हैं बच्चों, नाइलॉन की रस्सी है, पॉलिएस्टर के वस्त्र और पॉलीथीन वगैरह हैं। फिर है तीसरा है, यदि कोई कपड़े का टुकड़ा जल रहा है तो तुम कैसे पहचानो कि उसमें प्रयुक्त रेशा सूती है, रेशमी है, ऊनी है, संश्लिष्ट है? समूह में चर्चा करके लिखो। तो इसमें क्या है बच्चों, सूती वस्त्र जल कर राख बन जाता है, और ऊनी या संश्लिष्ट जल कर चिपक जाता है, तो इससे हमें उसकी पहचान हो जाएगी। तो इसके अलावा और किन किन तरीकों से पता लगा सकते हैं आप कि कोई वस्तु सूती है या ऊनी है या संश्लिष्ट है?
सूती वस्त्र जो होते हैं बच्चों जल को सोख लेते हैं, लेकिन रेशमी है, ऊनी है, संश्लिष्ट जल नहीं सोखते। इनमें कम सिलवटें पड़ती हैं, जो ऊनी है, रेशमी है या संश्लिष्ट होते हैं, जो उनमें सिलवटें भी कम पड़ती हैं, लेकिन सूती कपड़े में अधिक सिलवटें पड़ती हैं बच्चों। फिर है उपरोक्त प्रयोग के आधार पर बताओ कि चूल्हे या आग के पास काम करने वाले व्यक्ति को किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए, क्यों? तो जो चूल्हे के पास काम करता है, आग के पास कार्य करता है, उसे सूती वस्त्र पहनने चाहिए क्योंकि वह गर्म हो। आगे अब बच्चों इसमें चौथा चित्र दिया गया है, देखिए रेशम उत्पादन से संबंधित है। जैसे पहले नंबर पे लार्वा है, दूसरे पे कोकून है, तीसरे पे आपके पास रेशम का धागा है, चौथे पे रेशम के धागों से कपड़ा बनते हुए, और पांचवें पे रेशम के बने हुए कपड़े। तो चित्र देखकर इस विधि का वर्णन करो। तो इस विधि में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले रेशम के वस्त्र बनाने की ये विधि है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, लार्वे से कोकून बनता है बच्चों। फिर कोकून से धागा बनाया जाता है, और फिर रेशम धागे से कपड़ा बनता है, और फिर कपड़े से वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये पूरी इसकी विधि है बच्चों। फिर पांचवें में आपके पास ये चित्र अलग अलग प्रकार से दिए गए हैं, तो इनमें नंबरिंग लिखनी है। तो सबसे पहले तो है जो पेड़ होता है, ये कॉटन का पेड़ है, रुई का पेड़ है, तो एक नंबर पे तो आपने पेड़ पे लगाना है, ठीक है? तो इस पे आपने एक नंबर देना है। फिर दूसरे में आपने रुई मिल गई आपको, कॉटन मिल गई। फिर तीसरे नंबर पे जो है रुई से कताई की जा रही है, धागा बनाया जा रहा है इसमें। फिर फोर्थ नंबर पे क्या है बच्चों, धागे से कपड़ा बनाया जा रहा है ये। फिर फिफ्थ नंबर पे जब कपड़ा बन गया तो उसकी सिलाई हो रही है बच्चों, ठीक है, दर्जी उससे कपड़े बना रहा है। और सिक्स्थ पे वो ड्रेस बन के पूरी हो जाती है। तो ये आपने 1 2 3 4 5 6 नंबर इसमें लगाने हैं। फिर है मिलान करो। कताई जो होती है, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया होती है कताई। फिर है फ्लैक्स जो होता है, एक पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु मिलता है। फिर बुनाई जो है, धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाया जाता है। फिर नाइलॉन और पॉलिएस्टर है, ये संश्लिष्ट तंतु होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसकी आज की वीडियो में इतना ही था। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, जय हिंद।